गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कल हम लोगों ने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में जो है जानकारी प्राप्त किए थे। उसके बाद जो है राइट इनवर्स एंड राइट इन न्यूमरल्स में हम लोगों ने जो है सो कुछ क्वेश्चन को सोल्व भी किए थे और कुछ बनाने के लिए भी दिए थे। साथ ही एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1A का कुछ क्वेश्चन के बारे में कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आए जैसे 1A का पहला क्वेश्चन है, राइट द कोरस्पॉन्डिंग न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स जैसे हम लोग इससे पूर्व क्लास में जो है एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में बदलने की प्रक्रिया को सीखे थे, अब वही एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास है और एक्सपेंडेड फॉर्म को जो है हमें शॉर्ट फॉर्म में क्लियर करना है, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द टू नाइन्स इन 7,9,5,2,0,9,8,6, यानी 7,95,20,986 में दोनों नाइन का प्लेस वैल्यू निकाल कर हमें उसका डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हाउ मेनी 6-डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, इसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेंड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। 738 और रिवर्सिंग, इसको रिवर्स करके जो है जो नंबर आएगा उसका हमें डिफरेंस निकालना है। और एट ऑल 3-डिजिट नंबर्स यूजिंग 2, 3, 4, टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। 2, 3, 4 से हमें उस वे सभी संख्या बनानी है और प्रत्येक डिजिट जो है केवल एक ही बार लिखना है। ओनली वंस। थैंक यू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चों, ये एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में जो है 62, ये जो है 4 जो है 1 प्लेस पर है, 8 जो है 10 प्लेस पर है, 5 जो है 100 प्लेस पर है, 2 जो है 1000 प्लेस पर है और 6 जो है 10,000 प्लेस पर है। तो यहाँ जो है 6 × 10,000 = 60,000। प्लस 2000 प्लस 5 × 100 = 500 प्लस 8 × 10 = 80 और प्लस 4 × 1 = 4। नेक्स्ट 10,000 प्लेस पर 6 है, 1000 प्लेस पर 2 है, 100 प्लेस पर 5 है, 10 प्लेस पर 8 है और 1 प्लेस पर 4 है। रिक्वायर्ड शॉर्ट फॉर्म जो होगा सो 62,584 होगा, यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, 1 प्लेस पर 3 है, 10 प्लेस पर 2 है, 100 प्लेस पर 6 है, 1000 प्लेस पर 1 है, 10,000 प्लेस पर 8 है और 100,000 पर 5 है। इसको हमको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 5 × 1 = 5 यानी 5,00,000। प्लस 80,000 प्लस 1,000
प्लस 600 प्लस 20 और प्लस 3। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में बदलेंगे, लाख पर 5 है, 10,000 पर 8 है, 1,000 पर 1 है, 100 पर 6 है, 100 प्लस पर 10 प्लस पर 2 है और 1 प्लस पर 3 है। मीन्स 5,81,623 इज द शॉर्ट फॉर ऑफ गिवन क्वेश्चन, इट इज रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें जो नंबर दिए गए हैं उसके दो लाइन का जो है प्लेस वैल्यू निकाल के डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू जो हम निकालेंगे, जैसे 9 है तो 1 times 100, ये 9 जो है सो 100 प्लेस पर है, तो 9 into 100 = 900। ये फर्स्ट लाइन का जो है प्लेस वैल्यू हो गया, और सेकेंड लाइन का प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे 1 times 100,000, 10,000, 10,000,000। तो 9 जो है, सेकेंड लाइन जो है वह 10,00,000 प्लेस पर है, तो 10,00,000 1,00,000, 10,00,000, 0,00,000, यानी 10,00,000 इक्वल टू, इसका जो वैल्यू हो गया ये हो गया 90,00,000। डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स, डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू 90,00,000 माइनस 900, 0 - 0 = 0, 0 - 0 = 0, 10 - 9 = 1, 9, 9, 9, 8. Difference of two lines is 9,89,00,000. 99,100. This is its answer. Next. हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑड्स। तो 6 डिजिट का जो रिक्वायर्ड नंबर हमारा होगा, उसमें सबसे पहले जो प्रक्रिया है, चाहे वो 6 डिजिट हो या 5 डिजिट हो या 7 डिजिट हो या 8 डिजिट्स, सबसे पहले हमें ये जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि 6 डिजिट का जो है लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये चीज़ हमको जानकारी रहेगी तो हम आराम से, चाहे वो 4 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, चाहे वो 6 डिजिट का हो, चाहे वो 7 डिजिट का हो, हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन था, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, तो सबसे पहले हमें पहले से ये जानकारी प्राप्त है कि द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इक्वल टू 9,99,999 होता है। तो ये जो है द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर 9,99,999 हो गया। इसी प्रकार द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1,00,000 हो गया, 1,00,000 होता है। अब नंबर ऑफ ऑल 6 डिजिट नंबर्स का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर प्लस 1।
तो 9,99,999 में से हम 1 लाख घटाते हैं, तो हमारे पास 8,99,999 बचता है, और प्लस 1 जो है ये यहाँ आ गया प्लस 1। अब हम इसे ऐड करते हैं, मीन्स जोड़ते हैं, तो ये हमारे पास 9 लाख आ जाता है। 9 1 10 का 0 कैरी 1, 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 और 8 1 9। हैंस द नंबर ऑफ ऑल 6 डिजिट नंबर्स इक्वल टू 9 लाख। दिस इज अ करेक्ट आंसर, यही हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन डिजिट्स जो हमारे पास है 738 था, जिसका नंबर बना 738, और नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इस डिजिट, और इस डिजिट को रिवर्स करने पर हमें नंबर प्राप्त हुआ 837। अब कह रहा है रिवर्सिंग डिजिट से बना हुआ नंबर और गिवन डिजिट से बना हुआ नंबर का डिफरेंस निकालने के लिए, तो डिफरेंस इज इक्वल टू रिवर्सिंग नंबर है 837 और गिवन नंबर्स बना है 738, तो 8 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, वन बोरो लेफ्ट नंबर ऑफ 7, 1 7 17 - 8 इक्वल टू 9, और 3 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 बिकॉज हेयर इज 2, टेकिंग वन बोरो ऑफ लेफ्ट नंबर ऑफ 2, 1 to 12, 12 - 3 इक्वल टू 9, हेयर इज 7, सो 7 - 7 इक्वल टू 0, हैंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 99। इट इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास ये 3 डिजिट्स दिए हुए हैं 2, 3 and 4। इस डिजिट से जो है ऑल पॉसिबल नंबर हमें बनाना है, तो सबसे पहले बच्चों रिक्वायर्ड नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ गिवन डिजिट्स इक्वल टू सबसे पहले 2, 3, 4, फिर 2, 4, 3, फोर थ्री 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 2, 4, 3, 4, 2, फिर 4, 2, 3 और 4, 3, 2। इट इज द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ गिवन डिजिट्स, देयरफॉर इट इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू बच्चों। उस क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व किया है एक्सरसाइज 1A का, और जो रेस्ट क्वेश्चन कुछ बच गए थे वह हम आप लोगों को HW में दे रहे हैं। मात्र 7 क्वेश्चन दिए हैं, इन 7ों क्वेश्चन को आप लोगों को बना के तैयार करके कमेंट बॉक्स में भेजना है। थैंक यू।